बॉर्डर से कैमरा है, ये कैमरा पूरा नक्शा बनाते हुए जाता है, और ये अगर पूरे इस पर ध्यान कर देते तो तुम्हें हालात में डाल देगी। जल्दी करो, पीछे ट्रैफिक लग रहा है, जल्दी 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 जल्दी। ओके बाय बाय बाय। ठीक, कितना आसान है ना बोलना, नेपाल एंटर कर जाएंगे सिर्फ 100 किलोमीटर में। जो आप पूरा नक्शा बनाते हुए जा रहे हैं तो करके पता चला कि आप कौन है, आधार कार्ड दिखाइए। आपने नंबर दे दिया, कह रहे आगे इंडिया के अंदर तुम्हें आगे कोई भी जरूरत पड़े कॉन्टेक्ट भी, हम सारा सॉल्यूशन करेंगे उसका। नए वीडियो के साथ वापस, एंड इस वाले ब्लॉग में फाइनली जा रहा हूँ गोरखपुर टू नेपाल। बाकी तुम्हें रूम का हाल दिखाता हूँ। सबसे पहले ये कुछ सामान पड़ा है उधर, सारा सामान बिखरा पड़ा है। सबसे पहले तो मैं भाई आज सुबह 4 बजे उठ गया, पता नहीं कैसे 4 बजे से लेकर अभी तक एडिटिंग चल रही है, अभी तक मेरा एडिटिंग पूरा नहीं हुआ। एक्चुअली आईपैड का स्टोरेज फुल हो चुका है, दैट्स व्हाई यार हमारा एडिट नहीं हो पाया। बाकी आगे जाके एडिट करने वाले, और से ना जैकेट वगैरह पहन के भागते हैं यहाँ से नेपाल जाकर के। सबसे पहले जूते लेंगे, एंड मैं तुम्हें बॉर्डर पे दिखाऊंगा बंसारी वगैरह डॉक्यूमेंट का क्या सिस्टम बनता है। 100 किलोमीटर है क्या वो, इस फिर नेपाल चलते सीधा। हमारा ऑलमोस्ट सारा सामान पैक हो चुका है, अपनी बाइक सारी रेडी हो चुकी है और एकदम ग्रीन ग्रीन बहुत मस्त लग रही है सही में। इसका ना कवर भी थोड़ा सा नीचे से फट गया है, नो मैं तुम्हें दिखाऊंगा थोड़ा आगे जाके। सबसे पहले इसमें फिलअप करवाना है, इसको अपन ने कोल्ड स्टार्ट किया है, तो वही सबसे पहले अपन को जाना है सलोनी बॉर्डर, वहाँ से ही अपन को नेपाल की एंट्री मिलेगी, बाकी बंसारी वगैरह वहीं से बनेगी। फटाफट से इसको करते हैं कोल्ड स्टार्ट, निकलने का टाइम हो गया है, यहाँ से सिर्फ 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 100 किलोमीटर है। कितना फटाफट से इसको बांधते हैं, कहाँ गया भाई। ऊपर इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, और यहाँ पे इतनी गर्मी है। आगे नेपाल में मैं वो होप से उम्मीद करता हूँ ठंडी होनी चाहिए, ये तो बहुत दिक्कत होगी। ओके बॉयज वी आर डन विद दिस बाइक, सो एक जगह रुक के इसका टायर वगैरह भी चेक करवा लेंगे। ओके सो बॉयज हम लोग अभी निकल चुके हैं गोरखपुर से सोनौली की तरफ, और सोनौली बॉर्डर पार करके सीधा नेपाल आने वाला है, वहीं से बनाएंगे बंसारी। वी आर वेरी हैप्पी, पता है क्यों? क्योंकि 1000 किलोमीटर करने के बाद फाइनली नेपाल में एंटर होने वाले हैं, एंड वो सारा जगह हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जो कि हमने कभी फिल्मों और टीवी में देखा था। बाकी यार पहाड़ों पे जाएंगे ना यूं यूं उड़ते हुए, एकदम मस्त लगेंगे। कैश का बहुत ज़्यादा चक्कर है, तो यहाँ पे एक एटीएम ढूंढना पड़ेगा जिससे अपा को वहाँ बॉर्डर पे जाके नेपाली करेंसी में चेंज करवा ले। सो एटीएम वगैरह ढूंढते कहाँ पे। एक मिनट, कौन से जी? मिल गया, मिल गया। हाँ, हरियाणा जा रहे हो? हरियाणा से आ रहे, नेपाल जा रहे, काठमांडू जा रहे हो? हाँ ठीक। और कुछ लोग वहीं के रहने वाले हो? बस वहीं के लोकल है, हरियाणा के। जाओगे नेपाल? हाँ हुँ? नहीं पूछ रहे पैसे निकलेगी नहीं। कैमरा लगा के पूरा नक्शा बना रहे हो? वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो जर्नी की। हो ये अलाउ है तुम्हें? ये तो अलाउ है, फोन अलाउड नहीं है यहाँ, नहीं अलाउ है। नहीं क्यों? आप पूरा नक्शा बनाते हुए जा रहे हैं तो करके पता चला कि आप कौन है, आधार कार्ड दिखाइए आप। नाम हरियाणा बता रहे हो तो पाकिस्तान से आए हो तो कौन को रोका है? ये जो लगाए हो ना वीडियो, गेम चले जाओगे जेल। पासपोर्ट सब कुछ पड़ा है, क्या चाहिए बताओ? में हिंदू गड़बड़ नहीं होते? हाँ हाँ वो चक्कर ने चेक करो, आप तहसील ही करो यहाँ से सीधे नेपाल जाओगे? हाँ वो जान रहे हो यही? हाँ पता है। हाँ सोनौली बॉर्डर से कैमरा है, ये कैमरा पूरा नक्शा बनाते हुए जाता है, और ये अगर पूरे इस पर ध्यान कर देते तो तुम्हें हालात में डाल देगी जी। बैन केवल केरला में है, केरला में केवल बैन है, केरल में हो गया इसका काम? बैन है, किसी चीज़ों को लेकर के बैन है। आप हो सकता है आप हरियाणा को जा रहे हैं, आप कहीं और के हों, ये आधार कार्ड ऐसे नहीं बनता, आधार कार्ड नंबर 2 का भी बनता है। आप यही ले फोटो ले लिया हूँ कि चेक करवा लेते हैं। कोई नहीं, हम तो जाए ना फिर अब। ठीक है सर, चलो बैन
छोटा फुद्दू बना रहा है भाई हमें चूतिया बनाने की सोच रहा, कह रहा यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, तुम्हें जेल करवा सकते हैं, कैमरा बैन है यहाँ पे। अरे भाई केरला में बैन है कैमरा, तो वो कह रहे कि आधार कार्ड नकली हो सकता है, तुम पाकिस्तान से आए हो, फलान इमकान कुछ भी बोली जा रहा। ठीक है यार चल तू बकवास कर अपनी, हम तो चलते हैं। आधार कार्ड दिखाया अपना, फोटो कर ली उसने, कह रहा मैं जाके चेक करूंगा तुम कहाँ के हो। अरे भाई चेक करके भी क्या कर लोगे, अब तुम निकल गए ना, वही है फॉर्मेलिटीज है यार इनकी भी, स्ट्रेंजर्स या बाहर से बंदे जाते हैं उनको तंग करने की। बाकी अभी चलते बॉयज अपना सोलोनी बॉर्डर, वहाँ पे से आगे देखे क्या सीन है। बस मैं पहाड़ों का इंतजार कर रहा हूँ, बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, बस पहाड़ों पे चलना है। तो यहाँ रुके फटाफट से फ्यूल अप करवा लेते हैं, देन वी आर गो, क्योंकि हमारे बाइकों में सिर्फ 48 किलोमीटर का रेंज रह गया। इतनी ज्यादा गर्मी है ना, इतनी ज्यादा, आई गेस नेपाल में नहीं होनी चाहिए इतनी गर्मी, ने हमारा पोपट बन जाएगा भाई कसम से। सर्दी के कपड़े लेके आया हूं मैं तो, ज्यादातर पोपट हो जाएगा अपना नेपाल में। बहुत गर्मी है भाई, पूरा जैकेट गीला होगा, मैं बाइक से चल रहा हूँ फिर भी जैकेट पूरा गीला हो चुका है। ओके सर, मेरे ख्याल से ना आगे बरसात हो रही है इस करके ऐसे से क्लाउड है, बाकी क्लाउड एकदम मस्त लग रहे देखने में। रास्ते बहुत अच्छे है, अभी एक पीछे बहुत मस्त था लीन वजह, एंड देन ये देखो ये वाला पॉइंट, एक लीन पॉइंट रहने वाला है। आ गया अपना टोल, टोल पता है कौन सा है, सोलोनी का, मतलब सोलोनी के बाद सीधा आप नेपाल है। तो जैसे जैसे आप रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं हमारे को टोल गेट्स मिल रहे हैं, मेरी खुशी भाई पता क्या होता है, मेरी एक्साइटमेंट ऐसे 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 ऊपर बढ़ते जा रही है। तो अभी ना पता नहीं क्या होगा, गोल्डी बैको ना उनकी बाइक में ज्यादा बबलिंग हो रही है हैंडल में, तो चेक करवा रहे हैं। पीछे एक एजेंसी देखी है तो वहीं पे जा करके चेक करवाएंगे। तो भाई लोग इसको कर दिया हमने ट्रैक मोड पे, भाई वो लोग ना झुंड बना के खड़ गए थे भयंकर यार। एक बात बताऊं, उन लोगों ने अभी बताया कि अपनी पहली बाइक है जो गोरखपुर के अंदर एंट्री हुई है, और इस इलाके में एक भी आर आर 310 नहीं है, ना गोरखपुर में एक भी आर आर 310 है। उसका रीजन बताया क्या है, क्योंकि आर आर 310 अभी तक गोरखपुर तक पहुंची नहीं है, वो लखनऊ है। हाँ वही है 45 जी, नो मिस लैंड भी है ना वहाँ पे। ओके वहाँ पे नो मिस लैंड भी है। वहाँ नो मिस लैंड है जी, वहाँ पे रहे हम लोग बॉर्डर पे, वैसे भी दिक्कत होती है बॉर्डर पे, कोई दिक्कत नहीं है, अपना पेपर अपना डॉक्यूमेंट ओके रखिए, सब कुछ ओके, वो तो ओके है। ओके सर, हाँ ठीक, नाइस टू मीट यू सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा, हम लोग कुछ नई चीजें देखते हैं तो थोड़ा हेल्प करने का जी जी। तो भाई वो बंदा जो था यहाँ का कोई दरोगा था, आसपास कोई वो हो गया पुलिस स्टेशन, तो वही का दरोगा था, अच्छा लगा उनसे मिलके, उन्होंने सारी कुछ समझाया कैसे क्या सिस्टम है, बहुत अच्छा लगा मिलके। ऐसे ऐसे लोग बस मिलते रहे ना, वो अपनी हेल्प आउट करते हैं टाइम टाइम पे, हर एक जगह पे हेल्प आउट कर रहे हो, अभी हर एक जगह पे हेल्प आउट करे ना भाई बहुत अच्छा लगता है कसम से। उन्होंने नंबर दे दिया, कह रहे आगे इंडिया के अंदर तुम्हें आगे कोई भी जरूरत पड़े कॉन्टेक्ट भी, हम सारा सॉल्यूशन करेंगे उसका, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। आखिर में तुम्हें यही बोलना चलूंगा, इंडिया ओपी। बाकी जाके देखेंगे नेपाल अदर कंट्री में, नेपाल में जाके देखेंगे क्या सिस्टम है, क्या कुछ है वहाँ पे, कल्चर वहाँ का क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, रूडली बिहेव करते हैं, या फिर उनका बाहर के लोगों के साथ कैसा कॉन्वर्सेशन या नेचर कैसा है उनका, सब कुछ देख करके आएंगे। ओके जल्दी करो पीछे ट्रैफिक लग रहा है, एक मिनट जल्दी 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 जल्दी, चलो ठीक है, बाय बाय। ओके बाय बाय बाय, ठीक HR01 भाई ये क्या सीन हुआ था अभी, ये लास्ट पेट्रोल पंप है, नहीं आगे जा रहा हूँ मैं। हाँ सो बॉयज अभी तुमने देखा क्या क्रेजी सीन हो रखे थे, वो कह रहे भाई वो ना अलग से ही फोटोग्राफी कर रहे थे एकदम से, कह रहे राइडर भाई उन लोगों ने भाई पीछे ट्रैफिक तक रुकवा दिया फोटो के लिए, कमाल यार मजा आ गया। बस आगे अपनी उम्मीद की किरण दिख रही है, शायद तुम्हें दिख रहा हो गोपुर में, बट आगे पहाड़ मुझे दिख रहा है, बॉर्डर से सिर्फ ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर दूर होंगे, बस 20 किलोमीटर।
सो आई होप यार तुम्हें ब्लॉग पसंद आएगा। यहाँ तक ब्लॉग को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता। सो आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू डिड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब इट गाइस। एंड पीछे बहुत एडिटिंग काम भी चल रहा है एंड बहुत ज्यादा पेंडिंग में पड़ा है एडिट का। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।